हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजेपी नेता एवं भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की पूरी संपत्ति और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ सीट से एक बार फिर भोजपुरी स्टार निदेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी निरहुआ बीजेपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी गिनती भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होती है। एक्टिंग सिंगिंग के साथ साथ निरहुआ अब फिल्में एल्बम भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले निरहुआ के पास एक वक्त में साइकिल तक नहीं थी। उनके पिता कलकत्ता में नौकरी करते थे और महीने की आमदनी महज 3500 रुपए थी। इसी में पत्नी और 5 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में निरहुआ ने बताया था कि चूंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वे और उनके भाई भी पिता के साथ कोलकाता चले गए। बचपन लगभग यहीं बीता। वो वक्त ऐसा था कि उनके पास साइकिल तक नहीं था, कई किलोमीटर पैदल ही जाया करते थे। साल 1997 में निरहुआ अपने गांव लौटे और बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उनका मन गीत संगीत में रमा था। दरअसल निरहुआ के चचेरे भाई विजय लाल यादव मशहूर बिहरा गायक थे और अपने इलाके में उनका खास रुतबा था। निरहुआ उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे और एक दिन उन्हीं की तरह नाम कमाने का सपना पाले थे। साल 2003 में निरहुआ का एक एल्बम आया, इसे खूब पसंद किया गया और इसी के बूते पे वे रातों रात स्टार बन गए। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो आपको यह बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त दिए हफलनामे के मुताबिक तब निरहुआ के पास 5,93,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति थी। 44,00,000 का कर्ज भी था। साथ ही उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां और ज़मीन वगैरह भी हैं। 2019 में दिए हफलनामे के मुताबिक निरहुआ के पास एक रेंज रोवर और एक फॉर्चुनर है। उनके नाम एक पल्सर बाइक भी है। करीब 16,00,000 रुपए मूल्य के गहने भी हैं। इसके अलावा मुंबई में फ्लैट, गोरखपुर में कमर्शियल बिल्डिंग और 1 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि भूमि भी है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया निरहुआ के लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा भी मनोरंजन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।